गार्लिक स्पेगेटी बनाने के लिए ये मैंने लिया है ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन, इसको बारीक बारीक कट कर दिया है। उसके अलावा मैंने ली है एक कैरेट और इसको भी लंबा लंबा ग्रेट कर दिया है छीलने के बाद में। एक अनियन लिया है छोटा सा, उसको भी लंबा लंबा काट लिया है। गार्लिक लिए हैं 7 से 8 और उनको बारीक कट कर दिया है। उसके अलावा लिए हैं चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून लिया है क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं ग्रीन चिली ही नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं। सॉल्ट लेंगे हम स्वाद अनुसार, टमाटो सॉस लेंगे हम 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हॉट चिली सॉस लेंगे और ये है स्पेगेटी, एक पैकेट हम यूज़ करेंगे। पैन में हमने पानी रख दिया है गरम करने के लिए और इसमें अब हम सॉल्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब और फिर हम जब इसमें बॉईल आ जाएगा अच्छा सा फिर स्पेगेटी इसमें डालेंगे और हम ऑयल भी यूज़ करेंगे, पर इसमें डालने के लिए नहीं, जब हम सब्जियां जो है वेजिटेबल्स हैं उनको सौते करेंगे उस टाइम पे हम ऑयल यूज़ करेंगे। अभी मैंने नमक लिया है वो इसमें डालेंगे। जब भी स्पेगेटी या पास्ता बनाते हैं और उसे बॉईल करते हैं उसमें कभी भी ऑयल ऐड नहीं करना चाहिए, उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल होता है और वो खुद ही सेपरेट हो जाता है। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें स्पेगेटी डालेंगे। अब हम इसे नीचे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फैला देते हैं, सॉफ्ट होने का वेट करेंगे क्योंकि जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा तो नीचे बेंट हो जाएगा। स्पेगेटी पूरी अंदर हो गई है पैन में, अब हम इसे बॉईल होने का वेट करेंगे। जब अच्छे से 1 या 2 बॉईल आ जाएंगे तो हम चेक करेंगे स्पेगेटी पक गई है या नहीं और उस वक्त हम किचन सीजर से इनको थोड़ा थोड़ा काट लेंगे स्पेगेटी को। अगर आपको लंबी लंबी पसंद है स्पेगेटी तो आप मत कट करिएगा, पर मेरे बच्चों को एक्चुअली थोड़ा कटी नहीं पसंद आती है तो मैं इन्हें पीसेस में कट कर दूंगी किचन सीजर से जब ये बॉईल हो जाएगी। उसके बाद अभी हम सीजर लेंगे और इसे बीच से कट कर देंगे। मैं अंदाजे से कट कर रही हूँ। थोड़ी देर और रखेंगे क्योंकि अभी स्पेगेटी शायद उतना पकी नहीं है, अभी कसर है इसमें बाकी। स्पेगेटी हमारी पक चुकी है, अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और इसमें ढक्कन रख के हम इसे 10 मिनट तक ढक के रखेंगे पानी में ही। अब इसे ऐसे ही 10 मिनट तक रखेंगे हम। 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम ये ऑन खोल के देखेंगे, हमारी ये स्पेगेटी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें से जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे। ये हमने छन्नी में रख दी है स्पेगेटी तो पानी ड्रेन होता रहेगा। सबसे पहले हम इसमें टू टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, अब हल्का सा ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे। गार्लिक को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ सौते करना है। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे, पहले अनियन डालेंगे, गाजर और फिर ग्रीन अनियन। इन सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, जस्ट सौते करना है। अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, नमक, सॉस डालेंगे हम
2 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉस डाली है बड़ी वाली, और 2 टेबलस्पून के करीब ही हॉट चिली सॉस डाली है। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। अब हम इसमें स्पेगेटी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। हमारी ग्रीन अनियन और गार्लिक स्पेगेटी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। गैस बंद कर देंगे। हमारी ग्रीन अनियन गार्लिक स्पेगेटी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करिए। और